चलें सर। यहाँ पर दूल्हा की गाड़ी खड़ी हुई है, शायद कोई बारात वगैरह आने वाली है किसी ट्रेन में। तो ये रही आज से 100 साल पुरानी बिल्डिंग, जिसे 1922 में बनाया गया था। 6025 ट्रेन के लीड पर है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस वक्त लाहौर की सड़कों पर घूम रहा हूँ और आज हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं रायवन जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रेल फेयरिंग करने के लिए, जो कि लाहौर से ज्यादा दूर नहीं है और एक नहायत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है जिसे हाल ही में रेनोवेट किया गया है। तो चलें आज की वीडियो में मैं आप लोगों को रायवन जंक्शन रेलवे स्टेशन का पूरा एक ब्रीफ रिव्यू देता हूं। साथ ही हम लोग वहां पर थोड़ी बहुत रेल फेयरिंग भी करते हैं, लेकिन रायवन पहुंचने से पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है और मैंने स्टेशन पर पहुंचने से पहले नाश्ता करना है। और नाश्ते में था आज हमारे मूंग चने और नान, जो कि पंजाब में मेरा काफी पसंदीदा नाश्ता है। खैर जल्दी नाश्ता करने के बाद हम लोग रायवन जंक्शन रेलवे स्टेशन के लिए दोबारा रवाना हो गए, क्योंकि हमें जल्द से जल्द रायवन रेलवे स्टेशन पर पहुंचना था ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रेन्स को वहां पर कैप्चर कर सकें। जी दोस्तों, सीन कुछ यह है कि 10 डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस जो है वो अब से कुछ ही देर में रायवन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है और उसके लिए जो मेरे सामने से फाटक हैं वो भी बंद होने वाले हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर रुक कर 10 डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस को कैप्चर करते हैं, यानी कि स्टेशन से पहले रायवन जंक्शन के आउटर पर, और यहीं पर कोई गन्ने का जूस वाला भी है, वहाँ से गन्ने का जूस ही पीते हैं। और गन्ने के जूस पीने के साथ साथ आज की अपनी पहली ट्रेन, यानी कि आज के दिन की रेलसानी की पहली ट्रेन अलामा इकबाल एक्सप्रेस को यहीं से पकड़ते हैं और फिर आगे चलते हैं रायवन स्टेशन की तरफ। तो ये ट्रेन आने से पहले हम थोड़ा गन्ने का जूस पी लेते हैं, गर्मी ज्यादा है। चलें बिलाल भाई, तो ये हमारा गन्ने का जूस और वो सामने से आ रही है सियालकोट और कराची के दरमियान चलने वाली 10 डाउन अलामा इकबाल GU20 ट्रेन के लीड पर है, जो कि ट्रेन को लाहौर से लेकर कराची तक जाएगा। GU20 में काफी रश है इस वक्त। और ये अब ट्रेन अप्रोच कर रही है रायवन जंक्शन रेलवे स्टेशन पर GU24551 के साथ। तो देखा आपने कि 10 डाउन जो है वो जा चुकी है, जाना अब हम भी
रावण रेलवे स्टेशन की तरफ चलते हैं। वो खड़ी हुई सामने टैंडन लामा इकबाल एक्सप्रेस। और ये हम फाइनली पहुंच चुके हैं रायवन रेलवे स्टेशन पर। क्रिकेट का मैच चल रहा है सामने इतनी गर्मी में। जी दोस्तों, तो यहाँ से अभी हमने एंट्री की थी रायवन जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। सामने मैंने आपको बताया था कि क्रिकेट का मैच चल रहा है और ये है रायवन जंक्शन रेलवे स्टेशन की मेन पार्किंग और पीछे उसके स्टेशन बिल्डिंग। तो ये सामने ही हमने बाइक पार्क की है अपनी। काफी खूबसूरत रेलवे स्टेशन बिल्डिंग है ये, जिसे अभी कुछ सालों पहले ही तामीर किया गया है। कुछ नए पौधे भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तो पहले बाहर से बिल्डिंग का जायजा ले लेते हैं, फिर अंदर से देखते हैं और फिर हम यहाँ पर थोड़ी बहुत रेल फैनिंग करते हैं। तो एक खजूर का दरख्त लगा हुआ है, एक ही नहीं बल्कि काफी सारे खजूर के दरख्त लगे हुए हैं, जो कि अब कुछ टाइम बाद ही बड़े दरख्त बन जाएंगे, थोड़ा बहुत साया भी देंगे और साथ ही फ्रूट भी देंगे। तो चलें हम स्टेशन की बिल्डिंग के अंदर चलते हैं और फिर जायजा लेते हैं मजीद स्टेशन बिल्डिंग का और आगे फिर प्लेटफॉर्म्स का। यहाँ पर दुल्हा की गाड़ी खड़ी हुई है, शायद कोई बारात वगैरह आने वाली है जैसे ट्रेन में। तो पूरे 1:40 पर हम एंटर हो रहे हैं रायवन जंक्शन रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग में। रिजर्वेशन ऑफिस हमारी लेफ्ट साइड पर है। टिकट्स वगैरह यहाँ से मिल रहे हैं। सबसे पहले प्लेटफॉर्म टिकट ले लेते हैं। तो ये है रावण जंक्शन रेलवे स्टेशन का टाइम टेबल, एक नज़र देख लें, शायद ये आपके किसी ना किसी काम आ जाए ज़िंदगी में। और ये रहा रावण जंक्शन रेलवे स्टेशन से मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन का किरायानामा। बिल्डिंग की हाइट अगर आप देखें तो अच्छी खासी हाइट है इस बिल्डिंग की, पर लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, विंडोज वगैरह मौजूद हैं। काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है स्टेशन बिल्डिंग रायवन रेलवे स्टेशन की। तो ये स्टेशन पर मेन एंट्री और एंट्री के साथ ये टिकट वगैरह जो मिलते हैं मैंने आपको भी दिखाया। तो चलें प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी सेम पैसेज बनी हुई है जैसे स्टेशन के एंट्रेंस पर थी, सेम राइट साइड पर है, काफ़ी बड़ा हॉल। और ये हम आ गए मेन प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर एक ट्रेन अप्रोच कर रही है हमारे पहुँचते ही। लेट्स सी कौन सी ट्रेन है ये। तो दोस्तों ये मेरे सामने से आ रही है कराची लाहौर के दरमियान चलने वाली 16 डाउन कराची एक्सप्रेस। HGMU जो है ये ट्रेन के लीड पर लगा हुआ है इस वक्त। HGMU 38211। तो इस वक्त 1:50 हुए हैं और आज जो कराची एक्सप्रेस ये तकरीबन 3.5 घंटे लेट है और इसी वजह से ये आज हमें यहाँ पर मिल भी गई, वरना ये ना मिल पाती हमें। तो ट्रेन का अगला स्टॉप जो है वो कोट लखपत है और उसके बाद फिर लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो कराची एक्सप्रेस का जो है ये आज का हमारा पहला एक्शन है जो कि हमें रायवन जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मिला है। तो ट्रेन के डिपार्चर के बाद हम थोड़ी बहुत रायवन जंक्शन रेलवे स्टेशन की बात करते हैं और फिर यहाँ पर अपनी आज की रेल फैनिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो ट्रेन ने अपना फर्स्ट डिपार्टिंग विसल ले लिया है और अब दूसरे विसल के बाद ट्रेन यहाँ से डिपार्ट कर जाएगी, यानी कि रायवन जंक्शन रेलवे स्टेशन। चलें जी, तो ट्रेन अब आगे बढ़ रही है कोट लखपत और लाहौर की तरफ। स्टेशन जो है ये थोड़े से कर्व पे बना हुआ है।
दो बिजनेस क्लास, दो एसी स्टैंडर्ड और एक स्लीपर और बाकी तमाम इकोनॉमी क्लासेस होती है इसके साथ। क्रच एक्सप्रेस का रेट देखें, हमारी इमाम के काम तो दोस्तों रायवन रेलवे स्टेशन जो है ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह ये है कि यहाँ से एक रेलवे लाइन जो है वो जा रही है कसूर पाकपतन से होती हुई लोधरा जंक्शन की तरफ, जिस पर आजकल हमारी सिर्फ एक ही ट्रेन चल रही है जो कि है 37 अप 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस। तो अगर हम लोग रायवन जंक्शन रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये रेलवे स्टेशन जो है ये पाकिस्तान रेलवे के मार्कर के लिहाज से 1179 किलोमीटर के मार्कर पर मौजूद है और स्टेशन जो है ये टोटल 3 प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। कि इस वक्त जिस प्लेटफॉर्म पर मैं हूँ ये है आपका मेन प्लेटफॉर्म, जहाँ से भी आपने देखा कि 15 अप कराची एक्सप्रेस गई है। इसके अलावा सामने वाला प्लेटफॉर्म जो है वो डाउन का मेन प्लेटफॉर्म है, जबकि उसके पीछे वाला जो प्लेटफॉर्म है उसे इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर बाबा फरीद एक्सप्रेस के लिए, यानी कि जो ट्रेन कसूर और पाकपतन वगैरह जाती हैं वो ट्रेन वहाँ से गुजरती हैं, वहाँ पर आती हैं और वहाँ से जाती हैं। जब अगर किसी ट्रेन का ओवरटेक देना हो तो फिर भी उसे इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे बिलाल भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे इंतज़ार में, चलें इनके पास बैठते हैं थोड़ी देर और फिर इनसे गपशप करते हैं और फिर अपनी अगली ट्रेन आने का इंतज़ार करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि दरख को नहीं काटा गया बल्कि ऊपर शीट्स काट कर दरख को निकाल दिया गया है। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 2:10 का और हम लोग जा रहे हैं प्लेटफॉर्म डाउन प्लेटफॉर्म की तरफ, क्योंकि अब जो है रावलपिंडी कराची के दरमियान चलने वाली 8 डाउन तेजगाम एक्सप्रेस जो है वो पहुंचने वाली है बस कुछ ही देर में। तो ये काफ़ी बड़ी पानी की टंकी रायवन रेलवे स्टेशन पर है पीने के पानी की और जगह जगह जो है इसके कूलर वगैरह बनाए गए हैं जहाँ से इसका ठंडा ठार पानी आ रहा है और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इस तरह की चीज़ें हर स्टेशन पर होनी चाहिए ताकि मुसाफिरों को ठंडा और अच्छा पानी हर जगह मिल सके। तो दोस्तों ये आ रही है सामने तेजगाम एक्सप्रेस, आज ZCU नहीं बल्कि HGM30 लगा हुआ है ट्रेन की लीड पर। HGM 38 207 मुसाफिरों की काफ़ी तादाद है ट्रेन में बोर होने के लिए। ट्रेन का तकरीबन 5 मिनट का स्टॉप है और ये जो आप मेरे सामने बिल्डिंग देख रहे हैं स्टेशन बिल्डिंग, ये रायवन जंक्शन रेलवे स्टेशन की ओल्ड स्टेशन बिल्डिंग है, लेकिन ASM साहब SM साहब वगैरह सब यहीं पर बैठते हैं, ट्रेन से कंट्रोलिंग वगैरह यहीं से होती है और इस स्टेशन बिल्डिंग को तकरीबन 1922 में बनाया गया है, यानी कि आज से ठीक 100 साल पहले। तो ये 8 डाउन तेजगाम तो खड़ी ही है यहाँ पर, साथ ही एक GM 315 4926 भी यहाँ पर मौजूद है शंटिंग के लिए, बल्कि शायद शंटिंग के लिए नहीं, इसके साथ पूरी एक ट्रेन है, एक फ्रेट ट्रेन। तो दोस्तों ये देखें आपके गर्मी के इन हालात में इस ये कुछ लोग जो हैं ये ठंडा ठार शरबत पिला रहे हैं मुसाफिरों को। पूरे पूरे जग लिए हुए हैं और वो मुसाफिरों की बॉटल्स वगैरह पूरी फुल कर रहे हैं, ग्लासेस में दे रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इस वक्त 2:22 हो चुके हैं और ट्रेन अभी तक यहाँ पर रुकी हुई है। इसकी वजह यह है कि ट्रेन जो है वो तकरीबन 8 मिनट बिफोर पहुँची थी रायवन जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, इसके अलावा 5 मिनट का ट्रेन का स्टॉप भी है इस स्टेशन पर,
तो टोटल अगर आप देखें तो तकरीबन 13 मिनट ट्रेन होल्ड करेगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से ट्रेन को राइट टाइम ही निकाला जाएगा। तो ट्रेन ने फाइनली 2:24 अपना फर्स्ट डिपार्चर मिसल दे दिया है। और फाइनली 2:25 पर ट्रेन यहाँ से डिपार्ट कर रही है। बहुत अच्छा काम किया इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा सवाब मिला होगा यकीनन इन लोगों को। कोचेस सारे फुल हुए हैं तकरीबन, दरवाज़ों पर भी रश है बहुत। गर्मियों के लिए सबसे बुरा कमरा सीएनआर का, सर्दियों के लिए सबसे अच्छा। हाँ, सर्दियों में बेस्ट है सीएनआर। जी दोस्तों, तो ये थी आज की रावलपिंडी कराची के दरमियान चलने वाली 8 डाउन तेजगाम एक्सप्रेस, जिसकी रेट पर लगा हुआ था कराची शर्ट का GM 38207। और ट्रेन ने इस वक्त अपने राइट टाइम पर डिपार्ट किया है रावण जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो ये रही आज से 100 साल पुरानी बिल्डिंग, जिसे 1922 में बनाया गया था। जी दोस्तों, तो ये AG30 के साथ आ रही है कराची रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 7UP तेजगाम एक्सप्रेस। ट्रेन के लीड पर है। तो ट्रेन का तकरीबन 5 मिनट का यहाँ पर स्टॉप है और ट्रेन पहुँची यहाँ पर एग्जैक्टली 2:50 पर। तो मैं ऐसे इरादे से आगे बढ़ रहा हूँ कि डिपार्चर कैसे कर लूँ ट्रेन का, लेकिन ट्रेन चलना शुरू हो गई है।
और हम ये डिपार्चर कैप्चर नहीं कर पाएंगे, तो चलें जितना डिपार्चर मिलता है उतना ही कैप्चर कर लेते हैं। तो ये फ़ायदा देखें इस टंकी का, तमाम मुसाफिर फ्रेश हो रहे हैं और इस गर्मी के मौसम में गर्मी को थोड़ी बहुत शिकस्त दे रहे हैं। तो आज ही यहाँ की रेल फैनिंग की आखिरी ट्रेन यानी कि 5 अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस रह गई है बस, बाकी तमाम ट्रेन यहाँ से जा चुकी हैं। तो ये पुराना मुसाफिर खाना रावण जंक्शन रेलवे स्टेशन का, जो कि अब प्लेटफॉर्म पर ही मौजूद है, यहाँ पर टिकट घर भी है लेकिन अब ये पूरा ही अबेंडेंड है, यानी कि पाकिस्तान रेलवेज के इस्तेमाल में नहीं है। और ये किस तरफ है ये अब आप खुद देख सकते हैं कि मेन अब प्लेटफॉर्म की बैक पर पुराने बिल्डिंग के बिल्कुल सामने। तो ये डाउन प्लेटफॉर्म पर रावण रेलवे स्टेशन पर एक मस्जिद भी मौजूद है, जबकि एक और मस्जिद जो है वो सामने बिल्कुल मेन पार्किंग में भी है, यानी कि टोटल रावण जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 2 मस्जिद मौजूद हैं। तो दोस्तों ये रावण जंक्शन रेलवे स्टेशन की जो डाउन लूप लाइन है इसके पीछे काफ़ी सारे फ्रेट कोचेस खड़े हुए हैं, फ्रेट के साथ साथ पैसेंजर कोचेस भी इसमें मिक्स हैं। तो ये तमाम तकरीबन वो कोचेस हैं जो ख़राब हो चुके हैं या फिर जिन्होंने कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद जाना है, जिन्होंने मुगलपुरा जाना है, ये तमाम वो कोचेस हैं। तो दोस्तों यहीं पर एक हमें रावण जंक्शन रेलवे स्टेशन का पुराना बोर्ड भी मिला है जो कि इस वक्त प्लेटफॉर्म के अंदर दफन है, देख सकते हैं आप, इसे दफन ही कहेंगे। तो ये रावण रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग के सामने एक सीबीआई की बिल्डिंग है जो कि बिल्कुल तैयार है, लेकिन सीबीआई अब इंस्टॉल नहीं हुआ है रावण रेलवे स्टेशन पर। तो जैसे ही सीबीआई सिग्नलिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा तभी ये बिल्डिंग भी वर्किंग में आ जाएगी। तो इन शॉर्ट अगर आप देखें तो टिकट्स वगैरह और सिर्फ वेटिंग एरिया जो है वो सिर्फ अप प्लेटफॉर्म पर है, बाकी जितने भी स्टेशन की वर्किंग है, ट्रेन की कंट्रोलिंग है, वो सारी डाउन प्लेटफॉर्म से ही होती है। तो दोस्तों ये है रावण रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग और अप प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि दोनों मीनारों पर घड़ियाँ इंस्टॉल नहीं की गई हैं, ये भी होल पूरा खाली है और ये भी होल पूरा खाली है। तो जहाँ स्टेशन की बिल्डिंग पर इतना खर्चा हो गया है वहाँ अगर 2 घड़ियाँ भी लग जाएं तो कितना अच्छा होगा। साथ ही एक चीज़ और कि अगर आप लोग मेन बिल्डिंग से आ रहे हैं और आपको कराची की ट्रेन पकड़नी है यानी कि डाउन की कोई ट्रेन पकड़नी है, तो उसके लिए ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि यहाँ से आ रहे हैं, यानी कि सामने से आकर सीधा लाइनों को ऊपर से क्रॉस करते हुए डाउन प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज है वो काफ़ी दूर बना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त कितना दूर है पेडेस्ट्रियन ब्रिज और कहाँ है ये स्टेशन की मेन एंट्रेंस। तो जहाँ इतना खर्चा हुआ ही था स्टेशन की बिल्डिंग पर, वहाँ अगर एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी बन जाता तो मुसाफिरों को बहुत आसानी होती और इस तरह के खतरात से भी मुसाफिर बचते, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि जल्द से जल्द पहुँच जाए अपनी मंजिल पर। कोई भी मुसाफिर मैंने अब तक नहीं देखा कि जो आगे से जाकर पेडेस्ट्रियन ब्रिज क्रॉस कर रहा हो, सब यहीं से आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टेशन भी कर्व पर है, यानी कि अगर आप लोग यहाँ सामने खड़े होंगे तो यहाँ की ट्रेन्स बिल्कुल जब सर पर होंगी तभी आपको दिखाई देंगी। इसी तरह यहाँ पर भी है, यानी कि डाउन अप साइड में भी ऐसा ही है कि जैसे ही ट्रेन बिल्कुल सर पर आएगी तभी दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर भी एक राइट कर्व है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं रावण से आगे पीछे कौन कौन से स्टेशन लगते हैं। तो अगर आप लोग खानेवाल की तरफ से लाहौर आ रहे हैं तो यानी कि यहाँ से खानेवाल की तरफ से आप लोग लाहौर जा रहे हैं तो अगला स्टेशन आएगा जिया बग्गा का। इसी तरह अगर आप लोग लाहौर से खानेवाल की तरफ जा रहे हैं तो अगला स्टेशन आएगा प्रेम नगर, जो कि बेसिकली एक ड्राई पोर्ट है। तो आज के ब्लॉग के लास्ट एक्शन के सिग्नल्स डाउन हो चुके हैं, यानी कि 5 अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के लिए रावण जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सिग्नल डाउन हो चुके हैं।
तो दोस्तों इस कड़कती धूप में अब मैं इंतजार में हूँ 5 ऑफ ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के, जो कि यहाँ से थ्रू पास करेगी। और फिलहाल जो है 5 ऑफ ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ही वो ट्रेन है, यानी कि 5 ऑफ 6 ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ही ऐसी ट्रेन हैं दो जो कि रायवन रेलवे स्टेशन से थ्रू पास करती हैं। बाकी तमाम ट्रेन का यहाँ पर स्टॉप है, जबकि इससे पहले जो थी वो जिना एक्सप्रेस जो थी वो भी यहाँ पर नहीं रुका करती थी, और शुरू शुरू में जो था वो पार्क बिजनेस एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस भी यहाँ पर नहीं रुका करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उन दोनों ट्रेन के यहाँ पर स्टॉप बहाल कर दिया। वो आ गई बिल्कुल मेरे सामने से ट्रेन, काफ़ी स्पीड में है, HGM 30 ट्रेन की लीड पर है। जी दोस्तों, तो देखा आपने क्या धुआंधार स्किप किया है 5 ऑफ ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ने रायवन जंक्शन रेलवे स्टेशन को। ट्रेन की लीड पर लगा हुआ था कराची शर्ट का HGM 38202, जो कि ट्रेन को एक तरह से बिल्कुल उड़ाता हुआ लेकर गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, यानी कि रायवन के ब्लॉग में बस इतना ही था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपनी अगली मंजिल की जानिब, जो कि होने वाली है उकाड़ा रेलवे स्टेशन, यानी कि अगली रेल सारिंग जो है आज के दिन की हम करेंगे उकाड़ा रेलवे स्टेशन पर। तो उसकी वीडियो भी आप लोग जल्दी देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही था, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।